हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेरोगे प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बन रहा है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले T20 वर्ल्ड कप का सुपर आठ का राउंड स्टार्ट हो गया। तो जैसा कि फैंस को उम्मीद है कि भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को हराकर जीत के साथ सुपर आठ का आगाज किया। अब यहाँ अगला मैच बांग्लादेश से। तो आइए बात करते हैं टूर्नामेंट के 47 मुकाबले के बारे में, जिसमें सुपर आठ के ग्रुप ए की दो टीमें बांग्लादेश और इंडिया आमने सामने होगी। यह मैच आपको 22 जून को 2024 को BVI रिचर्ड स्टेडियम एंड की गोवा में खेला जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो का आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन का अपडेट चाहिए तो हमारे स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। तो आगे बात करते हैं, चलते हैं वेदर रिपोर्ट देख लेते हैं, जहाँ पे मैच के दिन में मौसम में थोड़ी सी नमी रहेगी, बारिश की भी संभावना है, ह्यूमिडिटी 73% रहेगा और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं इनके पिच एनालिसिस करते हैं। सर BVM रिचर्ड स्टेडियम पिच आमतौर पर बॉलर और गेंद के बीच में अच्छा बैलेंस देती है, जो फास्ट बॉलर की मदद कर सकती है, खासकर शुरुआती ओवरों में। पिच में आमतौर पर लगातार उछाल भी रहता है, जिसका फायदा फास्ट बॉलर स्पिनरों को दोनों को मिल सकता है। अब अगर बात करते हैं, चलते हैं इनके विनिंग परसेंटेज देख लेते हैं। यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 63% जीतने का चांस है, वहीं बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 38% जीतने का चांस है। अब अगर बात करते हैं इनका एवरेज स्कोर देखते हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 125 है, वहीं पे सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर 117 है। तो दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं दोनों टीमों का हिट रेट भी देख लेते हैं, जो कि लास्ट 10 मैच के अकॉर्डिंग, जहाँ पे इंडिया 9 मैच जीत के आ रही है तो वहीं पे बांग्लादेश 1 मैच जीत के आ रही है। अब अगर बात करते हैं पहली टीम यानी इंडिया का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, जहां टीम इंडिया ने सुपर आठ का जबरदस्त स्टार्ट किया, अफगानिस्तान को 47 रनों से हरा दिया। टीम ने लास्ट मैच में प्लेइंग 11 में एक चेंज भी किया था, जो कि सियाद के जगह एक स्पिनर कुलदीप को ऐड किया गया था। टीम इंडिया के सबसे बड़ी प्रॉब्लम ओपनिंग है, जो कि रोहित और विराट के साथ में से ओपनिंग कर रहे हैं, लेकिन अब तक दोनों फ्लॉप ही चल रहे हैं। रोहित भी अब तक सिर्फ 150, तो वहीं विराट 4 मैच में सिर्फ 29 रन बना पाए। इस मैच में टीम शायद जायसवाल और रोहित से ओपनिंग करवाएं, विराट नंबर 3 पे खेल रहे हैं, वहीं पे शिव कुमार यादव जो कि फॉर्म में देख रहे हैं। सूर्या ने टूर्नामेंट का अपना दूसरा शतक भी मारा और मैन ऑफ द मैच भी रहे, वहीं शिवम जो कि आउट ऑफ फॉर्म में दिख रहे हैं। ऋषभ पंत भी बड़ी इनिंग नहीं खेल पा रहे हैं, फिनिशिंग में हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा खेल रहे हैं, बॉलिंग में सभी बॉलर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अब तक बुमराह ने 8 विकेट लिए, वहीं हार्दिक पांड्या ने 4 मैच में 7 विकेट लिए। टीम 3 स्पिनर के साथ खेल रही है, जिसमें जडेजा, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, हर्षदीप सिंह ने लास्ट गेम में 3 विकेट लिए थे। अब बात करते हैं इंडिया का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, सूर्य कुमार यादव है, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत है, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा है, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव है, अक्षर पटेल है, हर्षदीप सिंह है। अब बात करते हैं कुछ की प्लेयर देखते हैं, जो कि विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, जसप्रीत बुमराह है। अब अगर बात करते हैं दूसरी टीम यानी बांग्लादेश का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, जहाँ पे बांग्लादेश को पहले ही सुपर आठ में मैच में ऑस्ट्रेलिया से करारी हार मिली, जिसके बाद टीम के हौसले पस्त होंगे। अब यहाँ से टीम को बचे हुए दोनों मैच जीतने ही होंगे, तभी टीम सेमीफाइनल में जा पाएगी। टीम की बैटिंग उसकी कमजोरी है। ओपनिंग में जहाँ पे तंजीद हसन एंड लीटन दास स्टार्ट किया था, नंबर 3 पर जो कप्तान शांतनु खेल रहे हैं, उन्होंने लास्ट गेम में 41 रन बनाए। तो वहीं मिडिल ऑर्डर में शाकिब अल हसन और तौहीद हिडोई खेल रहे हैं। बांग्लादेश की बैटिंग में डेप्थ की कमी है, यह जाकिर अली और मोहम्मदुल्लाह पर डिपेंड है। बॉलिंग में टीम ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था, टीम की असली ताकत उसके बॉलर्स है, जहाँ पे मुस्तफिजुर रहमान और याद हुसैन टीम पे डिपेंड है। याद इस वक्त जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, भारत को उनसे संभल कर खेलना होगा। यहाँ पे तंजीस हसन 9 विकेट लेकर टीम के टॉप विकेट टेकर भी है, तकसीन अहमद भी अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं, साकिब अल हसन इस पिच पे स्पिन से फायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं बांग्लादेश का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि तंजीद हसन है, लिटन दास है, नजमुल हुसैन शांतनु है, साकिब अल हसन है, तौहीद हिडोई है, मोहम्मदुल्लाह है, जैकर अली, याद हुसैन है, मुस्तफिजुर रहमान है, तंजीम हसन, साकिब है, तकसीन अहमद है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए, जो कि लिटन दास है, नजमुल हुसैन शांतनु, साकिब अल हसन है। तो फाइनली दोस्तों, हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं प्रेडिक्शन एंड कंक्लूजन करते हैं। तो इस मैच में सबकी फेवरेट इंडिया ही है, हालांकि बांग्लादेश ने टूर्नामेंट अब तक जबरदस्त परफॉर्मेंस भी किया है, भारत यहाँ जीत कर सेमीफाइनल का टिकट कटवाना चाहिए। अगर दोनों टीम की परफॉर्मेंस की बात करें, तो दोनों टीम की स्क्वाड स्टैंड को देख, तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे मैच विनर इंडिया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।